हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अमन जैन और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल ट्विटर मन पार्टनी पर। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि 2 लाख रुपीज की कैपिटल का यूज अगर अपन करते हैं स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए तो एक मंथ में अपन कितना रिटर्न यहाँ पर भरा सकते हैं। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा और जानने को मिलेगा कि मैंने इस मंथ अपना स्विंग ट्रेडिंग करके कितना प्रॉफिट यहाँ पर अर्न किया है, ओनली सिर्फ 2 लाख रुपीज की कैपिटल का यूज करके। तो अभी आपको आगे वीडियो में जानने को मिलेगा कि कौन कौन से स्टॉक्स मैंने बाय करे थे और कौन से स्टॉक्स मुझे प्रॉफिट हुआ, किस स्टॉक में मुझे लॉस हुआ। तो कंप्लीट डिटेल में आपको ये वीडियो मिलने वाली है, पूरी वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना ताकि आपको इससे कुछ सीखने समझने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके कि मैंने इसके अंदर अपना अपस्टॉक्स का अकाउंट है तो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट मैंने कितना अर्न किया इस मंथ में, तो कंप्लीट डिटेल आपको जानने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पर अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ। सबसे पहले इधर अपनी जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा अपस्टॉक्स का अकाउंट ओपन है। तो अपन इसके ऊपर क्लिक करके रिपोर्ट एंड कॉर्पोरेट एक्शन के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले ये अपना ओपन हो रहा है, इधर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्लिक करते हैं तो अपना आप चेक कर सकते हैं। लास्ट वन मंथ अगर अपन देखें तो इधर आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा। सबसे पहले 23,519 का नेट पीएनएल अपना है 20,471 रुपए का, और जो अपना यहाँ पर चार्जेस वगैरह लगे आप देख सकते हैं 3047.80 का, यानी कि 3,000 रुपए के चार्जेस लग गए, 20,000 रुपए का नेट प्रॉफिट है और 23,519 का अपने को ग्रॉस पीएनएल है। अब मैं आपको एंट्रीज वगैरह दिखाता हूँ कि कौन से दिन मुझे प्रॉफिट हुआ था लॉस वगैरह। तो इधर आप चेक कर सकते हैं, सिर्फ हमारे पास में जो ट्रेडिंग हमने करी थी 18, 19, 20, 21 यानी कि 4 दिन, तो ये 5, 6, 7, 8, 9, 10 टोटल 10 डेज का इसमें काम था 1 महीने में से। इसके अंदर जो आप चेक कर सकते हैं 18th अपन स्टार्ट करते हैं, मतलब फर्स्ट डे से, तो 18th को हमारा लॉस था यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 454 रुपीज़ का। 19th की अगर हम बात करें तो 19th को हमारे को नेट पेनल आप देखेंगे तो 8,899 का है। इसमें टोटल 4 स्क्रिप्ट है, PTC फिन सर्विस यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 1,400 का प्रॉफिट है। उसके बाद मेजबॉन डॉक जो अपना चल रहा है स्टॉक काफ़ी अच्छा, उसमें 7100 रुपये का प्रॉफिट बुक किया था 7,171 का। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL का स्टॉक जो था उसमें भी अराउंड 1207 का प्रॉफिट, और एक अपना जो बेल का स्टॉक था उसको मैंने एग्जिट कर दिया था 550 के लॉस में। फिर 19th को जो स्टॉक के बाद में अपन बात करें 20 की, तो 20 तारीख को हमने जिस स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुक किया था आप चेक कर सकते, तो सूर्य रोशनी है, डाटा पैटर्न, PTC विन सर्विस, BL, KCP शुगर, इन सबको ओवरऑल मैंने यहाँ पर एग्जिट कर दिया था। और मेजबॉन डॉक में भी आप चेक करेंगे तो इधर आपको देखने को मिलेगा 5,922, तो रिमेनिंग क्वांटिटीज थी वो मैंने अगले दिन सेल करी थी। और नीचे आप देख सकते हो तो भारत डायनेमिक्स भी और सेमेंस का जो स्टॉक था सेमेंस लिमिटेड का वो भी कंप्लीट मैंने यहाँ पर एग्जिट कर दिया था। अब अपन बात करें 21st की, तो 21st को इधर आपको जो लॉस देखने को मिल रहा है इसमें कुछ मेरा इंट्राडे वगैरह हो गया था। और मैं आपको बता दूं कि पोजीशंस वगैरह जब मैंने होल्ड करी थी अपना बाइंग किया था इनको, तो अराउंड 12 और 13 के आसपास मैंने इनको बाय करा था जून के अंदर। अब हम देख सकते हैं इधर कि 21st को अपना जो है आपको लॉस देखने को मिल रहा है, ऑटो एक्सेल्स के अंदर है और अपना जो एक्सिस स्टेट्स स्टॉक है, PTC विन सर्विस है, ये सब के अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा क्योंकि इस दिन इंट्राडे वगैरह भी हो गया था और कुछ में स्टॉक में मुझे लॉस हुआ था उस दिन। अब अगर अपन बात करें तो 26th का अब जो मेन थिंग मैं आपको बता दूं कि 26th को जो मेरे यहाँ पर लॉस हुआ बड़ा आप चेक कर सकते हैं 7,136 का। इसका कारण ये था कि मैंने जो PTC विन सर्विस यानी PFS का जो स्टॉक बाय किया था उसके अंदर मुझे लॉस देखने को मिला था। कारण ये है कि मैंने उसको एग्जिट कर दिया था और जिस दिन मैंने एग्जिट किया उसके एक दिन बाद से ही वो स्टॉक ऐसा भागा कि मतलब अगर मैं उसको होल्ड रखता तो मेरे को 22,000 का प्रॉफिट रहता। इधर मैंने जल्दी एग्जिट कर दिया, इसके कारण मुझे यहाँ पे 22,000 का लॉस देखने को मिला। तो आप चेक कर सकते हैं इधर अराउंड 7,009.99 का यहाँ पे मेरे को लॉस देखने को मिला। अब नेक्स्ट दिन की अगर हम बात करें तो वो अपना 28th का, तो इस दिन आप चेक कर सकते हैं तो अराउंड नेट पेनल आपको देखने को मिल रहा होगा 4,651 का, बिकॉज इस दिन मैंने जो अपना अपोलो टायर जो होल्ड किया था मैंने 499.50 की प्राइस आप चेक कर सकते हैं, और मैंने उसको सेल किया था 542 को, यानी कि 550 रुपये आ गया था, पर जब वो धीरे धीरे नीचे आ रहा था तो मैंने उसको एग्जिट कर दिया था। तो इसमें अराउंड 4,788 का मैं प्रॉफिट बुक किया था। अब अगर अपन नेक्स्ट बात करें 28th के बाद में, तो 2nd of July को यहाँ पर एक छोटा प्रॉफिट है, ये ऑलमोस्ट आपका डाटा पैटर्न का स्टॉक जो होल्ड था वो हाई प्राइस पर सेल करने के बाद में उसी को मैंने इंट्राडे के अंदर वापस से नीचे बाय कर लिया था, तो इस चक्कर में उसी दिन मुझे छोटा यहाँ पर प्रॉफिट देखने मिला था। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके बाद में हमारा जो काम हुआ था 5 तारीख को, 5th of July को, तो यहाँ पर आप चेक करेंगे कुछ छोटा मोटा प्रॉफिट है, कुछ ऐसी स्क्रिप्ट वगैरह ली थी निकाल दी थी वापस, जो स्टॉक होल्ड पड़ा था उसी पे निकाल के वापस उसी पे बाय कर लिया था। तो अभी अपन 8th of July की बात करें तो 8th July को भी आपको छोटा प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा, ये सेम उस दिन 4 स्टॉक्स वगैरह थे उसके अंदर कुछ में प्रॉफिट हुआ था कुछ में लॉस हुआ था सेल करने पर। ये जो आप FACT वाला स्टॉक है केमिकल वाला अपना, इसके अंदर क्या होता है कि मैंने इसको सेल कर दिया था
प्राइस और ज्यादा बढ़ गई, तो इस चक्कर में मुझे उसको वापस ऊपर में खरीदना पड़ा, तो इंट्राडे के अंदर मुझे यहाँ पर लॉस हुआ था। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर ही स्टॉक पड़ा था, खाली उसको मैंने सोचा था कि अभी प्राइस थोड़ा नीचे आएगी तो अपन छोटा मोटा यहाँ पर निकाल लेंगे, पर उसके चक्कर में यहाँ पर कोई लॉस हो गया, पर कोई बात नहीं, अगले दिन हमने उसकी पूरी क्वांटिटी यहाँ पर निकाल दी थी। अब 9th को अपन बात करें तो 9th of July को आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अराउंड 10,000 रुपीज का प्रॉफिट, 9,852 का। इसमें टू स्क्रिप्ट थी, एक अपना FACT का और एक अपना डाटा पैटर्न का, इसके अंदर आप प्रॉफिट चेक कर सकते हैं सर, और इसके अंदर भी। अब जो एक मैंने आपको गलती बताई थी अपनी उसकी PFS वाले स्टॉक की, उसमें क्या था कि स्टॉक को मैंने मतलब जल्दी निकाल दिया, उसके कारण मुझे लॉस देखने को मिला। अगर मैं होल्ड रखता तो अराउंड अच्छा खासा प्रॉफिट वहां पर देखने को मिलता, क्योंकि नेक्स्ट डे से उसमें रेडी आ गई थी। और एक स्टॉक के अंदर मैंने जो बता रहा हूँ कि गलती डाटा पैटर्न वाले में, इसके अंदर मैंने क्या करा कि मेरे को 20,000 रुपये तक का इसमें प्रॉफिट देखने को मिल गया था स्टॉक्स के अंदर, अराउंड 90,000 का इसमें इन्वेस्टमेंट था। क्या होता है कि 20,000 का प्रॉफिट हिट करने के बाद में जो मतलब प्राइस भी उसकी डाटा पैटर्न की अप हो गई थी, वहां से स्टॉक नीचे आता है, नीचे आते 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 फिर वो इतना नीचे आता है कि अगले दिन मैं उसको फिर सेल करता हूँ तो मुझे सिर्फ यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिलता है 6,834 का, अराउंड 14,000 का यहाँ पर प्रॉफिट अपना वैनिश हो गया था पूरा। फिर भी कोई बात नहीं, ओवरऑल अपन इस मंथ अपन प्रॉफिट में ही है, और यहाँ पे आप फिर से चेक कर लीजिए, इधर आप प्रॉफिट चेक कर सकते हैं अपना। तो कुछ इस तरह से फ्रेंड्स मैंने 2 लाख रुपीज का कैपिटल का अपना यूज करके अराउंड 23,000 का प्रॉफिट किया। और इसके बाद में अगर अपन बात करें तो स्टॉक्स की, मैंने आपको बताई दिया कि 2 स्टॉक्स में मेरे से गलती हुई थी, एक को मैंने कुछ ज्यादा ही होल्ड कर लिया उसके चक्कर में प्रॉफिट कम हुआ, एक को मैंने जल्दी ही एग्जिट कर दिया तो उस चक्कर में मुझे लॉस बुक करना पड़ा। तो ये कुछ गलतियां थी स्विंग ट्रेडिंग की। अगर मैं इनको होल्ड रखता तो जहां मेरा अभी 23,000 का प्रॉफिट हुआ है वहां अराउंड मेरे पास 50,000 रुपये का भी प्रॉफिट होता, यानी कि 22,000 रुपये तो मेरे को अभी उसमें PFS में देखने को मिलते और 14,000 रुपये का प्रॉफिट मेरा जो डाटा पैटर्न्स में और देखने को मिलता। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव हो, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप भी हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं स्विंग ट्रेडिंग की और पोजिशन ट्रेडिंग की इस जर्नी में तो मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी मुझे जरूर फॉलो करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी और ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।